हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। तो आप किसी को प्यार कर रहे थे और आपने बड़ी हिम्मत करके उनको अपने दिल की बात बता दी, यानी कि आपने उनको प्रपोज़ किया, लेकिन उन्होंने आपका प्रपोज़ एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि उन्होंने आपका प्रपोज़ रिजेक्ट कर दिया और अपने लाइफ में आगे बढ़ गए। और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। तो आप उन्हें अगर भूलना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बताए हुए मेरे टिप्स को जरूर फॉलो करना। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% आपको उनके नाम तो क्या, उनकी शक्ल भी याद नहीं रहेगी, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन आपको बस इतना करना है, आपको मेरी टिप्स को सही से फॉलो करना है। तो टिप्स की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। टिप नंबर 1, तो दोस्तों पहली टिप यह है कि आपको ये समझना होगा कि इस प्रोसेस में आपको टाइम लगने वाला है। मतलब यार देखो, आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रपोज किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, किसी ने धोखा खाया है, किसी का दिल टूटा है। रोज़ किसी न किसी के दिल टूटते हैं, रोज़ किसी न किसी के हार्ट ब्रेक होते हैं, रोज़ किसी न किसी के दिल जुड़ते हैं और रोज़ कोई किसी को धोखा दे देता है। तो यार ये सब चलता रहता है, तो यार इसे संवरने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो यार आप ये मत सोचो कि आज मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ तो आप आज इसे फॉलो करेंगे और कल सब सही हो जाएगा, कल आप उसको भूल जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जितना टाइम आप इसे दोगे यार, उतने ही कमाल के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रोसेस में आपको टाइम लगने वाला है, तो इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। टिप नंबर 2, तो दोस्तों टिप नंबर 2 ये है कि आपको अपने दिल को हल्का करना होगा। यानी कि आपके दिल में जो भी दर्द है, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स है, आपके दिल में जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी आप फील कर रहे हो उस पर्सन से रिलेटेड, मतलब कि जिसने आपका प्रपोज रिजेक्ट किया हो, जिसने आपको धोखा दिया हो, जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया हो, उसके प्रति आपके दिल में जो भी है, ये सब आपको ऐसे इंसान को बताना होगा जो आपसे बहुत क्लोज हो, जो आपको अच्छे से जानता हो, जो आपको अच्छे से समझता हो। ऐसे इंसान को आपको ये बातें बतानी है और अपने दिल को हल्का करना है। तो यार देखो, इससे आपको बहुत फायदा होगा, आपका दिल हल्का हो जाएगा, आपके दिल और दिमाग से जो नेगेटिव बातें थी वो दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल फ्रेश फील करोगे। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है। टिप नंबर 3, तो दोस्तों टिप नंबर 3 ये है कि आपको कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जाना चाहिए। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका हवा पानी, खाना पीना सब बदल जाएगा। तो दोस्तों जब आप बाहर घूमने जाओगे तो आपकी मुलाकात नए नए लोगों से होगी, कुछ नई बातें होगी और इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आपको पुरानी वाली बातें बिल्कुल याद नहीं आएगी। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप कहीं बाहर घूमने चले जाओ, इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। टिप नंबर 4, तो दोस्तों टिप नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। वो ये है कि आपको खुद को बिजी रखना है, मतलब कि आपको अपने दिमाग को किसी न किसी काम में बिजी रखना है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अगर आप अपने दिल और दिमाग को खाली रखते हो तो आपके दिल और दिमाग में वही पुराने वाले ख्याल आएंगे और फिर से आपको वो डिस्टर्ब करेंगे और फिर से आपको आगे बढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि आप अपने दिल और दिमाग को बिजी रख पाए। इसके लिए आप कहीं पे जॉब कर सकते हैं, जैसे कि पार्ट टाइम हुआ, फुल टाइम हुआ, इससे आपको फ़ायदा भी हो जाएगा, कुछ पैसे आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप कुछ नई चीज़ें भी सीख सकते हैं, नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं जो कि आप बरसों से करना चाहते हो। अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यार आपको सिंगिंग पसंद हो तो सिंगिंग की क्लासेस ज्वाइन कर लो, गिटार की क्लासेस ज्वाइन कर लो, कोई भी स्पोर्ट्स आपको जो खेलना हो वो आप खेल सकते हैं। कुछ भी करो लेकिन ऐसा करो जिससे कि आपका दिल और दिमाग बिजी रहे और आपके दिल और दिमाग में वो पुराने वाले ख्याल ना आए। तो दोस्तों इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। टिप नंबर 5, तो दोस्तों टिप नंबर 5 ये है कि आपको उनकी यादों से दूर होना है। मतलब कि अगर आप उनको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इन जगह पर फॉलो करते हो तो उन्हें ब्लॉक कर दो। उनकी जो भी यादें आपके पास हैं उन्हें सबको डिलीट कर दो, मतलब कि जो फोटोज़ है, जो वीडियोज़ है, उन सबको आपको डिलीट करना पड़ेगा। और आपके पास जो भी उनके गिफ्ट्स पड़े हैं वो आप सब किसी को दे सकते हैं या फिर गरीबों में बांट सकते हैं, या फिर अगर वो किसी काम के नहीं है या फिर किसी को काम नहीं आने वाले हैं तो आप उन्हें कहीं छुपा सकते हैं जिससे कि आपकी नज़र उनके ऊपर ना पड़े और आपको उनके ख्याल ना आए। तो दोस्तों ये वो 5 टिप्स जिनको अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप उन्हें हमेशा के लिए भूल जाओगे, आपको उनका नाम तो क्या, उनकी शक्ल भी याद नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। इस वीडियो को अपने साथ दोस्तों में जरूर शेयर करो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बी स्टाइलिश, स्टे कूल, हैस्ता ला विस्ता।